हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो बराबर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस को एक समारोह के रूप में सारे देश में मनाने का काम करती है। यदि अकेली कोई पार्टी है तो वह आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की योग्यता, उनकी प्रतिभा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भारत आजाद हुआ था, भारत में व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की रचना कर दी थी, तो उस संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी यदि किसी को बनाया गया तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही सर्वसम्मत बनाया गया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत को यहां पर विश्व का एक विशाल संविधान दिया है, वहीं पर एक प्रभावी संविधान भी भारत को देने का काम किया है। उसी संविधान के तहत आज सारे हमारे देश की व्यवस्था चल रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पक्के एक राष्ट्रवादी नेता थे, वो चाहते थे कि हमारा भारत एक सशक्त भारत बने, हमारा भारत एक ऐसा भारत बने जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिल की तड़पन थी और उसी लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी समर्पित कर देने का काम किया था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस सच्चाई को भी समझते थे, जब तक इस देश में सामाजिक विषमता रहेगी, जब तक इस देश में आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक भारत को सशक्त भारत बनाने का भी हमारा स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकता है। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वह कौन सा समय था जब स्वामी विवेकानंद, जिनकी 150वीं वर्षगांठ हम सारे हिंदुस्तान में मना रहे हैं, उस समय उनके द्वारा सारे भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान चलाया जा रहा था, उसी समय संयोग से परमात्मा की कृपा से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ, जिन्होंने की 20वीं सदी में अपने द्वारा जो भी प्रयास किया है उन्होंने भारत को एक सशक्त भारत बनाने के लिए भी प्रयास किया है। आइए बहनों भाइयों, जहां पर आज हम सभी मिलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृति को नमन करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम सभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, वहीं पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को जो हम सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं, उस दिन हम यह संकल्प लें कि हम भले ही एक राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी में काम करते हुए हमारा उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं होगा, बल्कि हमारा उद्देश्य सरकार बनाने के साथ साथ समाज भी बनाना होगा। यही संकल्प बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिवस पर लें और हम अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा यह संदेश भारतीय समाज के सभी वर्गों को दे दें कि हम हर प्रकार की विषमताओं को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। यह अपने मन में संकल्प लेकर और यह भाव से चलो कर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम यह संकल्प लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति हम लोगों की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।